ग्रामीण पृष्ठभूमि के सभी दर्शकों का ग्रामीण समीक्षा समाचार में स्वागत है। पेश है इस सप्ताह के कुछ ग्रामीण समाचार। पुंडरी ब्लॉक में रहा भारत बंद का असर, शहर की सभी मार्केटें रही बंद। गांव पाई भाणा करोड़ा से ज्यादा पहुंचे किसान। संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा भारत बंद के आह्वान पर गांव पाई की किसान आंदोलन कार्यकारिणी कमेटी ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि पुंडरी ब्लॉक में धरना दिया जाएगा और इस धरने पर गांव से ज़्यादा किसानों को जाने के लिए कहा जाए। गांव पाई भाणा और करोड़ा से ज़्यादा किसान ट्रैक्टर और ट्रालियों के साथ पुंडरी ब्लॉक पर ब्रह्मानंद चौक पर रखे गए धरने पर पहुंचे। पुंडरी शहर में भारत बंद का बहुत असर देखने को मिला। शहर की सभी दुकानें और मार्केट बंद रही। पुंडरी ब्लॉक के सभी गाँवों से मजदूर और किसान इस धरने प्रदर्शन पर पहुंचे। गांव दुसैन के किसानों द्वारा यहां पर लंगर की व्यवस्था दी गई और गांव फरल के किसानों ने चाय पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था दी। सभी गांवों से पहुंचे मजदूर और किसानों ने इस धरने प्रदर्शन पर बढ़ चढ़कर भाग लिया और सहयोग किया। ये भी बात समझो, आपका साथी ना कंवर सिंह है, ना लोक दिली है, ना प्रकाश सिंह बदल, कोई नहीं है, सारे लुटेरे हैं। गांव फरियाबाद में आयोजित ढुलखाप सम्मेलन रहा शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित। गांव फरियाबाद में आयोजित ढुल सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से ढुल परिवार के लोग पहुंचे। इस सम्मेलन में वक्ताओं ने समाज में फैली बुराइयों पर जहां अपने विचार रखे, वहीं शिक्षा और रोजगार की समस्या को बड़ी प्रमुखता से उठाया गया। फिर सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि अगर सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाना है तो शिक्षा पर ध्यान देना होगा। इसके लिए सभी गांवों में लाइब्रेरी का होना अति आवश्यक है। गांव फरियाबाद के अंदर 15वां ढूल सम्मेलन है और हमारे गांव की तरफ से पूरी कोशिश है, जितने भी हमारे ढूल समाज के और यहां हरियाणा पंजाब और दिल्ली से भी ढूल समाज के जनप्रतिनिधि सामाजिक कार्य लोग आएंगे और अपने समाज के में अलग अलग सबके सुझाव से प्रस्ताव पास किए जाएंगे, कैसे बच्चों को सामाजिक बुराइयों से बचाया जा सके, कैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए और खेल के लिए उत्साहित कर सके। ऐसी बातों पर हमारा गांव सारा ढूल समाज इकट्ठा होगा, यहाँ कमेटी में प्रस्ताव पास कर उसको लागू हमारे गांव में सभी गांव में लागू करने की कोशिश करेंगे। श्वेता ढूल गांव-गांव जाकर अपने अनुभव युवाओं के साथ साझा करेंगी। सरकारी नौकरियों में होने वाली धांधलियों को अदालतों में चुनौती देने वाली श्वेता ढूल पहुंची फरियाबाद के ढूल सम्मेलन में, जहां उन्होंने सामाजिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी की आवाज़ उठाई। वहीं उन्होंने बताया कि उनके जीवन का सपना था कि वो HCS और IPS की परीक्षा पास कर नौकरी करें और उन्होंने बताया कि इस देश में बड़े प्रशासनिक पदों के लिए राजनीतिक और भ्रष्टाचार का बड़ा हस्तक्षेप है। वह अपनी शिक्षा और संघर्ष के अनुभव को गाँव-गाँव जाकर युवाओं के साथ बांटना चाहती हैं। श्वेता ढूल का कहना है कि अगर आप बड़े प्रशासनिक पदों के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपको किन किन परीक्षाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वह अपने जीवन का पूरा अनुभव गांव-गांव स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ साझा करेंगी। तो जानकारी है मुझे, तो मैं इस जानकारी को शेयर करना चाहती हूँ और बांटना चाहती हूँ। अगले कुछ समय में, कुछ महीनों में मैं एक जागरूकता अभियान चला रही हूँ जिसमें मैं गांव-गांव जाके स्कूल के बच्चों से इंटरेक्ट करूंगी, उनसे बातचीत करूंगी, उनकी समस्याएं जानूंगी, कॉलेज के बच्चों से बातचीत करूंगी, उनकी समस्याएं जानूंगी और उन बच्चों को आगे गाइड करूंगी कि उन्हें क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, 10वीं के बच्चे को कौन सा पेपर देना है, 12वीं के बच्चे को कौन सा पेपर देना है, ग्रेजुएशन के बच्चे को कौन सा देना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे को कौन सा देना है। गांव रमाणा में सब जूनियर कबड्डी लीग के ट्रायल मैच करवाए गए। गांव रमाणा में सब जूनियर कबड्डी लीग के ट्रायल मैच करवाए गए। इस ट्रायल टूर्नामेंट से अच्छे खिलाड़ियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम के लिए चुना जाएगा। विभिन्न गांव से पहुंचे अंडर 14 ईयर के लड़के और लड़कियों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया। इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से मुख्य अतिथि पहुंचे। गांव पाई की तनिषा ने चंडीगढ़ में आयोजित जूनियर ताइक्वांडो लीग में गोल्ड मेडल जीता। गांव पाई की बेटी तनिषा, डॉटर ऑफ नोपाल सिंह, ने चंडीगढ़ में आयोजित जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये थी सप्ताह की कुछ सुनी अनसुनी खबरें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई बात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।